ओम श्री साई राम। इन अवर लास्ट क्लास व्हाट वी डिड फैक्टर्स। तो आज हम करेंगे व्हाट इज मल्टीपल्स। सो व्हाट इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर। ओके, तो एग्जांपल देखो बेटा, मल्टीपल्स पता क्या होते हैं, जैसे हम टेबल्स बोलते हैं ना उसी को बोलते हैं। जैसे 3 × 4 टू नंबर्स हो गए, मल्टीप्लाई करके क्या आया 12। तो 12 क्या हुआ, इसका मल्टीपल है। देन फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हुए, फैक्टर 3 और 4 उसके फैक्टर हुए, है ना। और 12 क्या हुआ, 12 इज़ अ मल्टीपल। सो 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। जब भी हम कोई टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको बोलते हैं मल्टीपल। सो मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सेम और एनी अदर नंबर। जब हमें जो गिवन नंबर दे रखा होता है उसको जब किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा मल्टीपल्स, जो प्रोडक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 5। 5 इंटू एनी नंबर, अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो आपको क्या आएगा उसका मल्टीपल्स। जैसे 5 × 5, अगर मैं कहूँ 5 × 10 = 50, किसी भी नंबर को, एनी नंबर। अब वो गिवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो मल्टीपल्स आ जाएगा। ठीक है, देखो जहाँ मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो, जैसे एनी नंबर की जगह 0 से शुरू कर दो, चलो 0, 1, 2, 3, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो, 24, 38, 46, 59, 100। अब इनके सामने देखो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इजिकल टू का साइन है, 0, 5, 10, 25, 40, 60, है ना, 120, 190, 230, 295 and 500। कुछ भी है, देखो जी जो हमारा प्रोडक्ट आया ना इनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। सो वी गेट अ सीरीज ऑफ मल्टीपल्स बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय एनी नंबर, एनी अदर नंबर। बेटा मल्टीपल्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, अगर मैं 5 को भी मल्टीप्लाई कर दूँ किसी बड़े नंबर से, मान लो 1000 से, तो तब भी क्या आ जाएगा, वो मल्टीपल आ जाएगा। तो ये जो हमारे रेड कलर में भी हो रहे हैं ना, ये हमारे सारे क्या हैं, डेट आर मल्टीपल्स। हमें कैसे मिले हैं जी, हमें जिसने टेबल का बोला गया ना मल्टीपल निकालो, उसको हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे ये मल्टीपल्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसके मल्टीपल्स ऐसे लिखने हैं, अगे फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 12। अब चलो 12 के लिखते हैं, 12 का भी सेम ऐसे, इनटू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, 0, 1, आपकी चॉइस है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखते तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट 5 या फिर फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, फर्स्ट 2 मल्टीपल्स, तो हमने 1, 2 से ही शुरू करना है। ठीक है, अब इसको मल्टीपल, जो 12 का टेबल है ना, देखो टेबल है ना, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल्स, टेबल्स को ही मल्टीपल्स बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन आता है राइट द मल्टीपल ऑफ दिस, अगर फर्स्ट 5 है तो आपने पहले 5 लिखने हैं, 1 to 5, अगर 2 मल्टीपल है तो बस पहले 2। ठीक है, तो ये सारी देखो क्या आगे रेड कलर की जगह से फ्लैश हो रहे हैं, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 12। ठीक है बेटा, तो आपने ऐसे बेटा क्वेश्चन करनी है, ये देखो जी डेफिनेशन है, मल्टीपल होता क्या है। अब देखो 5 का मल्टीपल की एग्जांपल है, तो आपने बेटा ऐसे करनी है, तो आपको ना मैं कुछ ये भी पिक सेंड कर दूंगी, आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, तो आपने वहाँ से देख कर ये क्वेश्चन करनी है। तो मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल इज़ नथिंग बट अ टेबल्स, हम टेबल्स को मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, ध्यान से करना है। साई राम।